हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर। आज हम लोग कूलाम के नियम को समझेंगे। कूलाम के नियम को समझने की कोशिश करेंगे कि कूलाम का नियम होता क्या है। इससे पहले हम लोगों को कुछ बातें समझना पड़ेगा। जैसे दो समान प्रकार के आवेश, धन और धन, ऋण और ऋण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट में समझा था। एक धन और एक ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात को भी हमने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ लिया था। अब आपको ये चीज़ समझना था कि ये एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित किस बल द्वारा करते हैं, कितना बल लगता है, ये बात हमको समझनी थी। तो इसको समझाने के लिए 1785 ईस्वी में जो फ्रांस देश था उसी में एक फिजिकिस्ट था जिसको आप बोलते हो भौतिकविद, उसका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलाम, ने बताया कि भाई दो स्थिर बिंदु आवेश है तो उनके बीच में एक बल लगता है, उसी बल के संदर्भ में उसने अपना एक नियम दिया। अब उस नियम को आइए हम लोग समझते हैं कैसे था। जैसे यहाँ एक प्लस आवेश Q1 है, यहाँ प्लस Q2 है, ये R दूरी पर रखे हैं, तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ, मतलब दोनों में बल लगेंगे, दोनों में प्रतिकर्षण बल है क्योंकि दोनों आवेश की प्रकृति समान है। इसमें एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनका जो प्रकृति है वो विपरीत है इसलिए इनमें आकर्षण हो रहा है। अच्छा, अब ये देखिए इसी नियम को समझने के लिए क्या किया गया कि इन दोनों आवेशों चाहे इसमें से के परिमाण का गुणनफल, ठीक, परिमाण का गुणनफल उस इन दोनों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती है, और फिर किसके अनुक्रमानुपाती है बल, 1/r² के, मतलब इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब आप देखो भाई, इसी दोनों को एक लैंग्वेज में बोल दीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अब देखिए आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दोनों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक बात है कि ये जो बल लगता है बच्चों वो हमेशा उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। जैसे मान लीजिए एक आवेश यहां हो, दिख रहा है, एक आवेश यहां हो और एक आवेश चलो यहां ले लेते हैं या इधर लिख लेते हैं, एक आवेश यहां हो ए और एक आवेश यहां हो। अब जरा बताओ कि मैंने ये बोला कि चलो दोनों धन है धन ले लेते हैं, हाँ दोनों धन धन ले लो, तो ये इस पर जो बल लगाएगा इसकी दिशा बाहर की तरफ और इसकी दिशा बाहर प्लस है तो बाहर बाहर हो जाएगा। लेकिन देखो ये जो बल लग रहा है वो मिलाने वाली लाइन के ही क्या है, अनदिश है, ऐसे ही लग रहा है, इनमें जो बल लग रहा है को मिलाने वाली रेखा के अनदिश है। अगर मान लीजिए यही आवेश यहां की बजाय ऐसे होते तो भी आप बता लेते भाई, बड़ा आराम से कहते, एकदम बिल्कुल आसान काम है, इस पे बल इधर लगेगा, इस पे बल इधर लगेगा, मतलब कहीं पर ये जब भी बल लगेगा इन दोनों लाइनों को मिलाने वाली रेखा के अनदिश ही लगेगा। ठीक, अच्छा अब हम लोग एक चीज समझते हैं इसमें कि ये जो बल है इसको इसका हम लोग फार्मूला कैसे बनाएं। तो आपको जो ये समीकरण एक और समीकरण दो दिख रहा है, समीकरण एक व समीकरण नंबर दो से, अब आप देखो F प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल है 1/r² के, दोनों को एक में लिखा जाए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, r² हर बार की तरह जब एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है, यहां पर भी एक बेचारा नियतांक आएगा यहां पर आएगा Q1 Q2 अपान r², ये k एक नियतांक है, k क्या है, जहां k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कैसा नियतांक है, अनुक्रमानु पाती नियतांक है, ये नियतांक आपका अनुक्रमानुपाती है। ये किन किन बातों पे निर्भर करता है या किन किन बातों के कारण ये बदल सकता है,
तो ये बच्चों जो नियतांक है ये मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है, यानी ऐसे लिख लो के मात्रक की पद्धति, ठीक, तथा आवेशों के बीच, तथा आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ये दो तीन दो बातों पर डिपेंड करता है कि अगर इस पूरे का जो पद्धत चेंज हो जाए, मतलब मात्रक की पद्धत बदल जाए, तो इस के की वैल्यू बदलने लगती है, और अगर इनके बीच का मीडियम बदल जाए, दोनों आवेशों के बीच, जैसे वायु है, फिर उसको हमने कोई दूसरा उसको माध्यम रख दिया, जैसे जल रख दिया, उसके बीच में धातु रख दिया, तो इस के की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितना हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए एक फार्मूला बन सकता है इस तरह का एक फार्मूला। तो हम थोड़ा और आगे फार्मूले को बढ़ाते हैं, इधर का मैं मिटा देता हूँ, पोर्शन आप लोग को याद हो गया है, चलो यहाँ तक हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। अब इसी फार्मूले को बच्चों थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे। अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए वन पॉइंट में, जब आवेशों के बीच, मतलब दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या हो, निर्वात हो, वायु या निर्वात, हालांकि दोनों की वैल्यू में बहुत अंतर नहीं होता है, तो वायु अथवा निर्वात हम लोग, मैंने एक जगह कह दिया वायु अथवा निर्वात हो, तो अगर ऐसा है तो आपका यही वाला जो फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला बनेगा कैसे, देखो यहां पर के की वैल्यू इसके लिए जो आती है, स्मॉल के है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, और ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, किसकी वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है के, तब आपका फार्मूला बन जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना R2। ये एक फार्मूला बन गया जो व्यापक फार्मूला है, इसे कह सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R2 हमेशा में चलता रहेगा। अच्छा, इसी के की वैल्यू जब प्रयोग से निकाली गई कि कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई, और इसको जब आपने निकाला तो ये 9×10^9 करके आ गया, तब यही फार्मूला आपका बन जाएगा बेटा एफ बराबर 9×10^9 Q1 Q2 / R2। एक तो ये वाला बन सकता है फार्मूला, ठीक, ये वाला भी फार्मूला बन जाएगा। अब आप देखो इसी में अगर बाई दबे, इसको मिटा देता हूं, इसी में बाई दबे ये ऐसा हो जाता कि आवेशों के बीच में कोई माध्यम होता, आवेशों यदि लिख लो, यदि ऐसा होता, यदि आवेशों के बीच माध्यम है, आवेशों के बीच में क्या है, माध्यम, माध्यम है, अगर ऐसा है तो यही वाला फार्मूला आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, एफ मैं माध्यम में लिख देता हूं, एफ माध्यम हो जाएगा, और यहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एक के आ जाएगा, और इस के को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, यहां पर जो के है, के क्या है बच्चों, माध्यम का अंक है, माध्यम का परावैद्युतांक, तो माध्यम का ये परावैद्युतांक हो गया। अब ये फार्मूला माध्यम के लिए बन गया। अगर मुझे ये रिलेशन बताना है कि निर्वात में और माध्यम वाले में बल में क्या डिफरेंस होता है, कैसा अंतर होता है, तो देखिए आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, यहां से आपको एफ माध्यम लिख लेते हैं और बटा लिख लेते हैं एफ, एफ को मैं वाई लिख लेता हूं, वाई की बात हो रही थी, ठीक। अब y के लिए अगर हो गया तो इसमें देखिए सब सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, तो यहां 1/k केवल बच जाएगा, 1/k,
तो इसका मतलब कि F जो बल है माध्यम वाले के लिए वो F अपॉन के बराबर है। F के किसका है? Y का। तो Y वाले बल का 1/k होता है। अब k की वैल्यू डिफाइन करती है कि ये बल छोटा होगा है ना कि इसके बराबर होगा। k की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग होती है। जैसे y अथवा निर्वात कर दिए तो k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, अप्रॉक्स 1 ली जाती है, ठीक। ये 1 ही हुआ है कि नहीं ये आप इसे थोड़ा समझिए कि अगर निर्वात हो, मान लीजिए यहां बात हो रही है निर्वात में, और जो इनके बीच में जो ये पद्धत है वो सीजीएस रहे, ठीक। तो निर्वात में, ठीक, सीजीएस में, सीजीएस पद्धत की बात किया, सीजीएस पद्धति में लिख दें इसे, पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में बात की जाएगी तो जो स्मॉल के की वैल्यू अनुक्रमानुपाती नियतांक है उसकी वैल्यू 1 होती है। सॉल्व करने पे पता चलेगा इसकी वैल्यू 1 होती है, तब आपका एफ जो आ जाएगा वो क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। इसको देखने पर बहुत लोगों को लगता है कि ये फार्मूला गलत लिख दिया गया है, ये जो बात लिखी गई है एक्चुअल में जो सीजीएस पद्धत होती है उस सीजीएस पद्धत में जब आप इसका इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ के नहीं होगा, निर्वात के लिए 1 हो जाएगा, वाई के लिए, तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व की जाएगी तो इसकी टोटल वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 आ जाएगी तो इसमें एफ बराबर क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट है, ओके। तो इस तरह से ये आपका लेक्चर छोटा सा था जिसे आपने समझा, ओके, थैंक यू।